गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग कॉग्निटिव प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 8 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कैलेंडर दी हुई है जनवरी मंथ की, तो आपको इसी को देख के और इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। रेफर द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 7 days बिफोर जनवरी 17। तो अब देखिए बच्चों, इसमें 17 कौन सा डे हो रहा है, थर्सडे। अब इसके 7 दिन पहले का पूछा गया कौन सा डे है, तो अगर 17 छोड़ के 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, तो 7वां दिन हो रहा है आपका थर्सडे, तो उसके पहले बोला गया है 7 days बिफोर। तो कौन सा डे हो रहा है, 9th January, वो आपको लिखना है। 2 weeks आफ्टर जनवरी 4th is। अब बोला गया है 4 तारीख है, अब इसके 2 हफ्ते बाद कौन सा डेट आ रहा है, तो 19 January है। There are dash days in a year, तो कितने डेज होते हैं एक साल में, 365 days। Our week has dash days, कितने हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। January has dash days, January में कितने दिन होते हैं, 31 days। There are dash weeks in a year, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52। ओके, अब आते हैं ना नेक्स्ट पेज पे। इसमें भी बच्चों वही सेम चीज़ है, इसमें कैलेंडर दी हुई है डिफरेंट मंथ्स की, आपको इसी के बेसिस पे आपको आंसर्स लिखना है। क्या है पहला वाला, विच मंथ हैव 30 days, विच हैव 31 days। अब इसमें देखिए 31 days मैंने लिखा हुआ, अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर, ये सब होता है 30 days ऐसे जनरली। और 31 days क्या क्या होता है, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, ये सब 31 days होता है। टेथ बर्थडे इज एग्जैक्टली 6 weeks फ्रॉम 3rd January, राइट द डेट। अब बोला गया है कि 3 जनवरी को टेथ का बर्थडे है, मतलब 3 जनवरी को बर्थडे है। टेथ बर्थडे इज एग्जैक्टली 6 weeks फ्रॉम 3rd, मतलब 3 तारीख के बाद 6 हफ्ते बाद कौन सा डे हो रहा है, उस दिन उसका बर्थडे है। तो टेड का बर्थडे कब है, 15th को। आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अनीताज डांस प्रोग्राम इज़ ऑन 3rd April, टूडेज डेट इज 7th, आज का तारीख 7 तारीख है इस कैलेंडर के हिसाब से, तो उसका प्रोग्राम 3 अप्रैल को है। तो आपको काउंट करके बताना है कितनी डेज बाकी है, तो क्या होगा, 85 days। उसके बाद आइए देखते हैं 4th वाला, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पुट टुगेदर। अब इसके हिसाब से आपको लिख के बताना है कि कितने हफ्ते हैं, 17 weeks and 3 days। उसके बाद आते हैं 5th पे, राइट द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स मंडेज इन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब इसके हिसाब से इसमें कितने मंडेज आ रहे हैं, तो 17 मंडेज आ रहे हैं। राइट द टोटल नंबर ऑफ डेज इन जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल। अब इसके हिसाब से आपको कितने दिन हो रहे हैं, तो वो 120 दिन हो रहा है, ये चारों मंथ मिला के। ओके, अब आइए नेक्स्ट पेज पे, ये पेज नंबर 10। अब इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है कलर द वाइट स्पेस विद ब्लू, जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो ब्लू से कलर करना है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे ऑरेंज और वाइट है, तो वाइट वाले को पहले ब्लू से कलर कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको मैच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो ये देखिए लेक है ऊपर वाला, उसके बाद केप है, गल्फ, आर्चिपेलेगो, बे, इस्थमस, सिस्टम ऑफ लेक्स, आइलैंड, स्ट्रेट, पेनिनसुला। अब आते हैं ये पेज पे, पेज नंबर 12। तो इसमें क्या करना है, देखिए हम लोग जो मैच किए ना उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लैंडफॉर्म नेम्स। ये सब लैंडफॉर्म नेम्स है। लेक इज एन एरिया वाटर सराउंडेड बाय लैंड। लेक किसको बोलते हैं, वो जगह जहाँ पे चारों तरफ पानी, एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, मतलब बीच में पानी और चारों तरफ जमीन, उसको लेक बोलते हैं। डैश इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। अब आइलैंड किसको बोलते हैं, आप बोल सकते हैं आइलैंड उसको बोलते हैं जो बीच में सिर्फ ज़मीन हो और चारों तरफ उसके पानी हो, ठीक है, जैसे टापू बोलते हैं हिंदी में। अब बे किसको बोलते हैं, इज़ अ पीस ऑफ लैंड एक्सटेंडिंग अ लॉन्ग वे इन टू द वाटर। ये एक पीस ऑफ लैंड है जो पानी में एकदम चला जाता है, ठीक है। वॉट इज़ इस्थमस, इज़ अ नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। तो ये इस्थमस वो एक पतला सा स्ट्राइप लैंड है जो दो बड़े बड़े ज़मीनों को जोड़ता है। अब स्ट्रीट किसको बोलते हैं, इज़ अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जॉइनिंग टू एरियाज ऑफ वाटर। अब ये स्ट्रीट उसको बोलते हैं जो पतली सी नदी है, वो जो बड़े बड़े नदियों में मिल जाती है, उसको स्ट्रीट बोलते हैं। अ पीस ऑफ लैंड गोइंग आउट अ लिटिल वे इन टू द सी, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो नदी से बाहर निकलता हो उसको बोलते हैं केप। एन एरिया ऑफ सी वाटर पार्टली इंक्लोज्ड बाय लैंड, एक छोटा सा समुद्र का पानी, समुद्र सी वाटर पार्टली इंक्लोज्ड बाय लैंड, समुद्र का पानी जो थोड़ा सा ज़मीन से वो बंद हो चुका है,
ऑफ कैप पेनिनसुला इज अ स्ट्रेच ऑफ वाटर गोइंग फार इन टू द लैंड. ये बहुत बड़ी पानी की, या आप नदी बोल सकते हैं, बड़ी नदी जो बहुत दूर तक गई है. इन टू द लैंड, गोइंग इन टू द लैंड मतलब ये जमीन में ये जुड़ गई है जाके. और देखिए बच्चों, नीचे स्पेलिंग्स हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा.